कस्बा के युवाओं ने कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की कमी ना हो इसी मकसद को लेकर रविवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर कस्बा के नवजीवन फाउंडेशन 1995 बैच द्वारा ऑक्सीजन मशीन कस्बा समाज को भेंट किया गया। साथ ही कस्बा के कैंसर पीड़ित महिला के इलाज के लिए 15,000 की राशि का चेक उनके परिजनों को दिया गया। इस संदर्भ में नवजीवन फाउंडेशन के अध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि 1995 बैच द्वारा शुरू से ही सामाजिक कार्यों में सहयोग किया जा रहा है। समाज की जरूरत को देखते हुए स्वचालित ऑक्सीजन मशीन दिया गया है जिसका इस्तेमाल कस्बा के लोग निःशुल्क रूप से कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि कस्बा शहरी क्षेत्र के कैंसर पीड़ित महिला के इलाज के लिए उनके परिजनों को 15,000 रुपये का चेक भी दिया गया है। इस मौके पर फाउंडेशन के सचिव अनिल कुमार उर्फ बजरंगी, उपाध्यक्ष मुन्ना नायक, डॉक्टर मधुर कुमार, लव कुमार मोदी, रंजीत कुमार मंडल सहित 1995 बैच के सभी सदस्य मौजूद थे। लोगों का इलाज जो है ना 2-3 साल पहले से जाए, इससे पहले भी 2-3 बार हम लोग कुछ ना कुछ किए हैं समाज के लिए। महिला कॉलेज के बगल में एक दिग्गे जसवाल नाम का लड़का एक्सीडेंट जो हुआ था, जो ब्रेन हुआ था, उनमें भी हम लोग कल्चर के साथ अपनी मदद की है। उसके बाद 2008 में बाढ़ पीड़ित हुआ था, सुरसर जाके हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट किए थे कुछ खाना पीना वगैरह से। उसके बाद जो हम लोग 2-3 साल से सोच रहे हैं कि हम लोग का 40 साल लगभग कुछ पार कर रहा है, तो हम लोग कुछ ना कुछ सोचे समाज के लिए करना चाहेंगे। तो हम लोग का एक संगठन जो है जीवन फाउंडेशन नाम से गठित हुआ है, हम लोग का ट्रस्टी बना है, उसके नाम से अकाउंट खोले हैं। मेरा भी जो बैठक है जो लोग बाहर से हैं वो लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग को आगे बढ़ने के लिए। तो हम लोग ये सोचे कि मेडिकल भावना के तौर पर हम लोग का मेडिकल स्टोर भी है, इसके भावना पर हम लोग एक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन लाए हैं, जो कि सिलेंडर मशीन जो है, सिलेंडर जो ऑक्सीजन का होता है वो 7 घंटा ही क्षमता रहती है उसमें, लेकिन इसका जो है ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन का जो है ये अनलिमिटेड है, ये खुद अपना जनरेट करती है, ये ऑक्सीजन बनाती है, ये जो कभी जिंदगी में खत्म नहीं हुई। इसकी सहायता आप कैसे लोगों को करेंगे? अगर जो जरूरत हो, जो जिनको भी वर्क, जो वर्क के लोग जो है पीड़ित होंगे या ऑक्सीजन कमी से, उसको वो आए फ्री ऑफ कॉस्ट हमने यहाँ से लेके जाए और उनको हम सेवा। और ये बैच का उद्देश्य ही है कि जन कल्याण का। और अभी हम लोग कस्बा समाज को सीमित क्षेत्र है, कस्बा के नगर पंचायत क्षेत्र में जो भी मतलब गरीब है, असहाय है और निर्धन है, उसको जो है सहयोग करने की भावना से हम लोग समर्पित है। और आगे चल के ये बैच जो है बहुत सारे मतलब सामाजिक कार्य में जुड़ेंगे, मगर अभी तो तत्काल हम लोग जो है ऑक्सीजन मशीन से जो है शुरुआत किया है। और इसमें ऊपर वाले की अगर कृपा होगी तो मतलब सभी जो है इसमें सहयोग करेंगे और यह बैच जो है बहुत बृहद होगा और हम लोग इसमें मतलब फुल फ्लेज्ड रूप से जो है काम करेंगे। मदद हम लोग अभी मतलब जो भी मदद किए हैं मतलब मुझे कि अच्छी मदद है, मन में भावना था तो सहयोग हम लोग किसी किए हुए हैं मतलब पैसे के रूप में, मगर अभी हम लोग एक जो ये नवजीवन फाउंडेशन बनाया है जिससे कि समाज को ये जानकारी होगा कि हम लोग का बैच जो है और सब लोगों को जो गरीब है, असहाय है, उसको मदद करना चाहते हैं, तो जो जरूरतमंद है उसको करेंगे।